इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशियन में ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में एक आइलैंड नेशन है जिसका नाम है टोंगा। इन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में दो आइलैंड्स हैं, हंगा टोंगा और हंगा हापाई। वेल 2022 से पहले टेक्निकली ये एक आइलैंड हुआ करता था, मगर 2022 जनवरी में एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ जिस कारण इस आइलैंड के दो टुकड़े हो गए। ये वॉल्केनिक इरप्शन लगभग 4 हफ्ते तक चला। पहले तो इसमें धीरे धीरे स्मोक्स और फ्यूम्स उठी और 14 जनवरी को जब क्लाइमेक्स आया तब 20 किलोमीटर ऊपर तक इसकी स्मोक चली गई। लोगों को लगा कि अब वॉल्केनिक इरप्शन बंद हो गया, आगे नहीं होगा, मगर इसके अगले ही दिन 15 जनवरी को हुआ 150 सालों का सबसे बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन विद अ ब्लास्ट। नासा ने बताया कि ये ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि एटॉमिक बॉम्ब जो हिरोशिमा नागासाकी पर फेंके गए थे वर्ल्ड वॉर में उनसे 100 गुना पावरफुल इसका एक्सप्लोजन था और अर्थक्वेक ट्रेमर्स फील किए गए थे आसपास के एरियाज और न्यूजीलैंड तक। टोंगा टापू जो टोंगा की कैपिटल है वहां पर पूरा ब्लैकआउट हो गया था, सन नहीं दिख रहा था और वहां पे आसमान से स्टोन्स और ऐश की बारिश होने लगी। और इतना ही नहीं, अर्थक्वेक के कारण आई सुनामी जो आसपास के आइलैंड्स पे तो आई मगर दूर जापान, यूएसए और रशिया के कोस्ट तक भी टच करने लगी और इससे हंगा टोंगा हंगा हापाई बन गया इस सदी का सबसे बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन। मगर एक बात अच्छी थी कि द क्यूरियस कोबरा के जितने भी सब्सक्राइबर्स थे वो एकदम सेफ है, उनको कुछ नहीं हुआ। तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए।